हेलो दोस्तों, कुछ टाइम पहले हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में डिस्कस किया था। उसके हमने सर्किट डायग्राम और प्रैक्टिकली भी हमने करके देखा था कि स्टार डेल्टा स्टार्टर को किस तरीके से बनाया जाता है। उस वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे मेरे पास कि हम स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो होल्डिंग होती है, कुछ लोगों को होल्डिंग समझ में ही नहीं आई। तो होल्डिंग ही समझ में नहीं आई तो फिर पूरा का पूरा वो वीडियो ही उनको समझ में नहीं आया होगा। तो आज मैं इस वीडियो में वही होल्डिंग समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि भाई किस तरीके से होल्डिंग इसमें दी जाती है और किस तरीके से होल्डिंग काम कैसे करती है। तो यहां पे मैं एक नॉर्मल DOL स्टार्टर बना करके आपको दिखाता हूं सिंपल। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां पे NC पुश बटन यूज कर रहे हैं। तो NC का जो ये जो सिंबल है, ये NC का है लैडर में, ठीक है। तो ये वाला है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर हम इसको एक और दो लेके यहाँ पे इसके टर्मिनल देखें NC एलिमेंट के, तो जो ऊपर से ये वाली वायर जो आ रही है वो ये यहाँ पे जुड़ेगी, और जो नीचे से ये वायर निकली वो यहाँ से निकली, ठीक है, इस वाले टर्मिनल से निकली। उसके बाद ये NO पुश बटन है, तो ये NO पुश बटन जो है ये वाला NO पुश बटन है, ठीक है, ये वाला NO पुश बटन है और इसका ये एलिमेंट है। तो इसमें जो ये NC एलिमेंट था, इसमें से जो इसके आउटपुट से वायर निकली, निकलने के बाद इस NO पुश बटन के इनपुट में आ गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आउटपुट से निकलने के बाद अब ये वाली वायर चलेगी हमारी कॉन्टैक्टर में, ठीक है, ये चलेगी हमारी कॉन्टैक्टर में, और कॉन्टैक्टर हमारा ये है, ठीक है। और एक कॉन्टैक्टर का जो ये A1 वाला टर्मिनल आपको दिख रहा है, ये ऊपर का A1 है, ठीक है, और ये नीचे वाला ये वाला A2 है, और ये वाली जो वायर है ये न्यूट्रल वायर है जो कि A2 में लगी हुई है, और ये वाली वायर जो NO से आ रही है ये है हमारी A1, ठीक है, और ये ऊपर की ये है हमारा फेस वायर। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है कुछ लोगों को यहाँ पे जो हम दे रहे हैं होल्डिंग, ठीक है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो NO हमने यूज किया है ये कौन सा NO है। तो देखिए, यहाँ का पूरा आपको समझ में आ गया, ये आपको NC पुश बटन का समझ में आ गया इसका, और ये आपका NO पुश बटन का समझ में आ गया। तो ये वाला जो NO है, जो ये बगल में हमने NO पुश बटन के बगल में हमने जो ये होल्डिंग NO लिया है, ठीक है, तो ये हमने होल्डिंग NO लिया है, वो होल्डिंग NO है ये वाला कॉन्टैक्टर का 13 और 14 नंबर का जो ये NO है ये वाला है। अभी होता क्या है कि जब हम इस NO पुश बटन को प्रेस करते हैं, हमने इसको एक बार दबाया, तो दबाने के बाद जैसे ही हमने छोड़ देते हैं हम इसको, तो ये वापस से अपनी होम पोजीशन पे आ जाता है। तो जब ये होम पोजीशन पे आया तो इसकी सप्लाई भी कट जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या काम करते हैं कि जब हम इस पुश बटन को प्रेस करते हैं हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही कॉन्टैक्टर हमारा ऑन होगा, तो जो ये होल्डिंग NO है, तो ये सप्लाई क्या होगी, हम चाहे इस NO पुश बटन को छोड़ भी देंगे तो ये होल्डिंग NO से जो ये सप्लाई है, ये होल्डिंग NO हमारा NC बन जाएगा, और सप्लाई हमारी यहाँ से आएगी और ये इस तरीके से हमारे A1 में चली जाएगी। उसके बाद NO पुश बटन को हम छोड़ देंगे तो यहाँ पे सप्लाई जो है रुक जाएगी, लेकिन ये सप्लाई उसके बाद यहाँ से इस तरीके से पास होगी, ठीक है, इस होल्डिंग NO के द्वारा पास होने लग जाएगी, क्योंकि ये कॉन्टैक्टर हमारा जो है वो ऑन हो चुका है। तो ऑन होने के बाद इसका NO NC बन जाएगा और ये सप्लाई इस तरीके से जाएगी। चलिए इसको प्रैक्टिकली हम लोग करके देखते हैं, प्रैक्टिकली आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमारे पास NC पुश बटन है, सेम हमने यहाँ पे NC पुश बटन लगाना है। तो हम यहाँ पे NC पुश बटन को एक बार यहाँ पे लगा देते हैं NC पुश बटन में, और जो ये NC पुश बटन में हमने जो ये वायर लगाई है, इस वायर को हम देंगे फेस, ठीक है, क्योंकि फेस हम इसलिए देंगे क्योंकि हमारा जो ये कॉन्टैक्टर है ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट होगा, ठीक है, इसकी कॉइल जो है वो 220 वोल्ट की है, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, तो इसलिए हम इसको 220 वोल्ट देंगे। तो यहाँ पे हम फेस वायर को कंट्रोल करने वाले, तो एक वायर हमने यहाँ पे लगा दी। उसके बाद हम इसके आउटपुट में एक वायर लगाएंगे, ये हमने आउटपुट में इसकी वायर लगा दी। अब इस वायर को हम लगाएंगे अपने NO पुश बटन के इनपुट में, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ से आउटपुट निकाल के हम इसको देंगे कॉन्टैक्टर को, ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसे कनेक्शन कर दिए। हमने क्या काम किया, हमने इन सभी को यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट कर दिया है अभी, ठीक है, NC पुश बटन, ये हमारा NO पुश बटन, और ये कॉन्टैक्टर की यहाँ पे, उसके बाद A1 पे हमने सप्लाई कनेक्ट कर दी। अभी हम इसका होल्डिंग NO यूज नहीं करेंगे, ठीक है,
मैं यहाँ पे अभी न्यूट्रल वायर लगा के हम इसको डायरेक्टली सप्लाई से के साथ में कनेक्ट करके देखते हैं, और तब मैं आपको दिखाता हूँ कि बिना होल्डिंग एनओ यूज किए हुए ये किस तरीके से जो है वो काम करता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक और वायर लगा दी है इसके ए टू में, यानी कि ये न्यूट्रल वायर है, ठीक है। अब हम इसको सप्लाई के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको जैसे कि दिख रहा होगा कि जैसे ही मैं एनओ पुश बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो ये कॉन्टैक्टर हमारा ऑन रह रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी सप्लाई जो है यहाँ से कट जा रही है। तो सप्लाई कटते ही हमारा कॉन्टैक्टर वो ऑफ हो जा रहा है ना। ये देखिए यहाँ पे इसका सर्किट कंप्लीट हुआ, अभी सप्लाई यहाँ से जाने लग गई A1 पे, तो हमारा कॉन्टैक्टर जो है वो ऑन हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कॉन्टैक्टर हमारा ऑफ हो गया क्योंकि यहाँ से इसकी सप्लाई कट गई, ठीक है। तो इसी सप्लाई को बनाए रखने के लिए हम क्या काम करते हैं, जैसे ही हमने इसको ऑन किया तो ऑन करते ही इस कॉन्टैक्टर का एनओ एनसी बन जाएगा। तो सप्लाई क्या होगा, हमारी इस एनओ पुश बटन को बाईपास करके यहाँ से इसके इनपुट से आएगी, आने के बाद इसके एनओ में जाएगी, एनओ से होते हुए वापस इसके A1 में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इसका सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चलो मैं इसकी होल्डिंग भी दिखाता हूँ आपको, तब आपको और समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो ये एनओ पुश बटन था, इस एनओ पुश बटन के ही ठीक यहाँ पे पैरेलल में हमने एक और एनओ लगा दिया इस कॉन्टैक्टर का, ठीक है। इस कॉन्टैक्टर का एनओ हमने इसके पैरेलल में लगा दिया, और इसी एनओ को हम लोग होल्डिंग एनओ बोलते हैं। तो इसके हम कनेक्शन करते हैं, फिर देखते हैं किस तरीके से, देखिए होल्ड रहता है। ये देखिए अभी मैंने एनओ पुश बटन को प्रेस किया तो हमारा कॉन्टैक्टर जो है वो ऑन हो गया, ठीक है। अभी मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो होल्ड करने के मतलब कि होल्ड करने का मतलब ये है कि हम एक बार जैसे एनओ पुश बटन को प्रेस करें तो हमारा कॉन्टैक्टर जो है वो ऑन रहना चाहिए, ठीक है, और तब तक ऑफ नहीं होना चाहिए उसके बाद जब तक हम एनसी पुश बटन को प्रेस ना करें, ठीक है। जैसे कि हमने एनओ पुश बटन प्रेस किया, हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, उसके बाद एनसी पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो होल्डिंग हमारी काम करती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि होल्डिंग एनओ क्या होता है, किस तरीके से होल्डिंग यूज करते हैं हम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंडों में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।